आप सभी को नमस्कार। मैं हूं आयुषी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम ककोड़ी की सब्जी बनाएंगे। इसे ककरोल, कंटोला या मीठा करेला के नाम से भी जाना जाता है। ये मॉनसून के सीजन में आती है और इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स और फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, तो जब भी इनका सीजन हो आप इन्हें ज़रूर बनाएं। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम ककोड़े लिए हैं। मैंने इन्हें 2-3 बार पानी से धो लिया है, लेकिन इनकी जो आउटर लेयर होती है वो थोड़ी सी रफ और कंटीली सी होती है, इसलिए इसमें मिट्टी और डस्ट फंसे रह जाते हैं और नॉर्मल पानी से धोने से कभी कभी ये ठीक से साफ़ नहीं हो पाते। इसलिए इन्हें अच्छे से धोने के लिए हम एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे और इसमें 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। इसके साथ ही इसमें थोड़ा गर्म पानी डाल देंगे और इसे मिलाकर 5 मिनट के लिए साइड में रख देंगे। इससे इनका डस्ट लूज हो जाएगा और ये बढ़िया से साफ हो जाएंगे। पाँच सात मिनट के बाद इन्हें हाथों से इस तरह से मसल कर अच्छे से धो लेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इनका पानी सुखाने के लिए या तो आप इन्हें किसी कपड़े से पोंछ लें या फिर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, इससे इनका पानी झड़ जाएगा। मैंने इन्हें कपड़े से पोंछ कर सुखा लिया है। अब हम इन्हें काट लेंगे। काटने के लिए इसके आगे और पीछे के पार्ट को हटा देंगे और इस तरह से इनके 4-4 पीस कर लेंगे। हालांकि मैंने साइज में बिल्कुल छोटे और ग्रीन ककोड़े लिए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये अंदर से रेड हैं। इसका मतलब है कि ये पकना शुरू हो गए हैं, और अगर आपको इनके पके हुए बीज पसंद ना हो तो आप इन्हें निकाल सकते हैं। इसी तरह से कुछ ककोड़े पके हुए निकलते हैं और कुछ ककोड़े बिल्कुल कच्चे निकलते हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल कच्चा ककोड़ा है और इसके बीज भी बहुत सॉफ्ट हैं। इस तरह के कच्चे ककोड़े की सब्जी बहुत ही बढ़िया बनती है। अब सारे ककोड़े इसी तरह से काट लेंगे और जो ककोड़े ज़्यादा पके हों उनके थोड़े से बीज निकाल देंगे। मैंने कुछ ककोड़ों के बीज निकाल दिए हैं और कुछ के ऐसे ही रहने दिए हैं। अगर आपके बहुत सारे ककोड़े पके निकले तो इनके बीज इजीली निकालने के लिए आप इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें और थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें। फिर इन्हें हाथों से थोड़ा सा मसल कर धो लें, इससे बीज बहुत ही आराम से निकल जाएंगे। अब एक पैन में लगभग 3 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे और इसे गर्म होने देंगे। ऑयल के गर्म होने पर इसमें 1 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून सौंफ और 1/2 टीस्पून कलौंजी डालकर इन्हें तड़कने देंगे। मसाले तड़कने लगे हैं और इनमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब हम इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और इस तरह से पतले स्लाइसेस में कटा हुआ 1 इंच अदरक का पीस डालकर इन्हें रोस्ट होने देंगे। अदरक और मिर्ची भी भुन गई है तो हम इसमें ककोड़े डाल देंगे और इन्हें मीडियम हाई फ्लेम पर इस तरह से चलाते हुए सॉटे कर लेंगे। दो तीन मिनट इसी तरह से चलाने के बाद आप देख सकते हैं कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब इन्हें ढक देंगे और लगभग 80% कुक होने तक पका लेंगे। 2-3 मिनट के बाद इसे एक बार चेक कर लें ताकि सब्जी ओवर कुक ना हो जाए या फिर नीचे कढ़ाई में ना लग जाए। अभी इसे फिर से ढक देंगे और 2 मिनट और पकने देंगे। 2 मिनट के बाद इसे चेक करेंगे। आप देख सकते हैं कि सब्जी का कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है और देखने से लग रहा है कि ये पक गई है। अभी आपको इसमें ऑयल भी थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा होगा, लेकिन हमें इसमें प्याज भी डालने हैं और उन्हें भी सॉटे होने के लिए थोड़ा सा ऑयल चाहिए होगा। जब मैं इसे स्पैटुला से इस तरह से काट रही हूँ तो ये बड़े आराम से कट रही है, लेकिन क्रिस्पी है और हमें इसे बिल्कुल इतना ही पकाना है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज छोटे साइज़ के थे इसलिए मैंने 3-4 लिए हैं और इन्हें लंबी स्लाइसेस में काट लिया है। अगर मीडियम साइज़ के प्याज हों तो आप 2 ले लें। अब इन्हें चलाते हुए 2 मिनट सॉटे कर लेंगे। हमें इन्हें ज़्यादा नहीं पकाना है। जब ये हल्के से ट्रांसलेंट होने लगेंगे तो इसमें 5 से 6 कली लहसुन को क्रश करके डाल देंगे। इसके साथ ही 1 टीस्पून नमक और 3/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे। और यहाँ पर मैंने एक मोटी वाली हरी मिर्ची ली है। ये स्पाइसी नहीं होती है, लेकिन इससे सब्जी देखने में भी अच्छी लगती है और इसका फ्लेवर भी बढ़िया आता है। ये ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो इसे स्किप कर दें। अब सारी चीज़ों को इसमें मिलाते हुए इसे लगभग 1 मिनट रोस्ट कर लेंगे ताकि लहसुन का कच्चा फ्लेवर चला जाए। थोड़ा सा रोस्ट करने के बाद इसमें लहसुन की बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आने लगी है
अब हम फ्लेम को कम कर देंगे और इसमें बाकी के सूखे मसाले ऐड करेंगे। एक टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे, एक टीस्पून धनिया पाउडर और 3/4 टीस्पून अमचूर पाउडर डालकर इन्हें मिला लेंगे। अगर गरम मसाला खाना पसंद करते हैं तो आधा टीस्पून गरम मसाला भी डाल दें। अब इसे 15 से 20 सेकंड के लिए रोस्ट कर लेंगे ताकि मसाले भुन जाएं। अब फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। इससे मसालों के फ्लेवर सब्जी में अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और सब्जी का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। इस तरह से ककोड़े की सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है और इसे बनाना भी बहुत ईजी है। ये सिर्फ बारिश के दिनों में ही मिलती है, इसलिए जब भी इसका सीज़न हो आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताएं ये आपको कैसी लगी। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।